आप ये आप देख सकते हैं, ये दोनों मोटरसाइकिल रेडी हैं। यहाँ पर फिजान भाई हमाद और मैं, और वहाँ पर वो भाई। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम बैठते हैं जी। आ जाए जी फिजान भाई हमाद। आप देखें ट्रैफिक को, हमने देख ये रखा है कि यहाँ पर रश काफ़ी है, ट्रैफिक यहाँ पर फंसी हुई है, और जो है हमने पैदल ही चलना शुरू कर दिया है, तो अब हम जाएंगे आगे। यस यस, देख सकते हैं जी ये पठान हाउस आ गया है। ये आप देखें, बड़ी ज़बरदस्त और लुकिंग व्यू, बड़ा ही ज़बरदस्त व्यू इसका। अच्छा अमर भाई, आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर एक बड़ा ही मशहूर पॉइंट है मोबाइल, ये वो कहाँ पर है भाई साहब? यहाँ पर हमने देख लिए जी ग्रंडे। ग्रंडे जो हैं ये आपको बताते हैं, ये बड़ा ही ख़तरनाक इसका पौधा होता है, और ये ब्लैक ब्लैक होते हैं। ये देखें ये लगा हुआ है, ये मैंने तोड़ लिया है। ये देखें ये इस तरह के होते हैं, लेकिन और रेड होता है, ज़बरदस्त है, टूरिस्ट टाइप का इसका जायका होता है। देखना जी देहान से आना, आ जाओ पकड़ूँ। ओह ये देखें, ये भाई साहब हम जा रहे हैं उस वक्त का पैदल चल रहे हैं। ओ ये आ गए शेख साहब, वेलकम वेलकम, बैठे जी हमें बैठाओ यार, हम थक गए हैं। ये देखें देखें वो अमर भाई भी जो है व्लॉग शूट कर रहे हैं, आप उसका व्लॉग बताएंगे। ये देखें भाई साहब, आप चेक करें कितना ज़बरदस्त व्यू है यहाँ पर। इस साइड पर आप देखें कि मैंने जूम किया है, और व्यू आप चेक करें इतना ज़बरदस्त, और जो दराड़ें यहाँ पर पड़ी हैं उन्होंने माहौल को और भी चमकाया हुआ है। ये एशिया का जो है सबसे बड़ा जो है वो यहाँ पर वो स्लीपिंग बुद्धा भी है। लेकिन अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ एजाज आरिफ, और आपको एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। ईद का दूसरा रोज़ खानपुर जाने की तैयारी है हम सब की, तो चलें जाते हैं आज खानपुर डैम। आपको बताते हैं ईद पर खानपुर डैम का माहौल किस तरह का है, तो चलें चलते हैं। गाड़ी वहाँ पर खड़ी है, बिल्कुल रेडी कर दी है, तो अब जाने की तैयारी, तो व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो हो सकता है कि मैं गाड़ी चलाते हुए वीडियो ना बना सकूं क्योंकि ड्राइव कर रहा हूँ, तो सीधा अब आपको पहुँच कर मिलते हैं जी खानपुर है। भाई साहब अगर रास्ते में तो मैंने वीडियो नहीं बनाई, और अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, खानपुर में पहुँच गया हूँ, गाड़ी यहाँ पर पार्क कर दी है, तो अब निकलते हैं और शेख साहब से मिलते हैं, उनको जो है मिलते हैं। गाड़ी यहाँ पे लॉक हो गई। ओ शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, क्या हाल है जी? ठीक है सुनाए, शुक्र अल्लाह का, और क्या नई ताजिया है? ठीक है, तबीयत कैसी है आपकी? चलिए अंदर चलते हैं, फिर जो है हमने अगला प्रोग्राम भी डिसाइड करना है शेख साहब के साथ। यहाँ पर अभी हैं जी, सोहर की नमाज पढ़ी है, शेख साहब बैठे हुए हैं फरश अरश पढ़ कर, और मैंने जो है नमाज पढ़ ली है, तो अब जाते हैं गाड़ी में, और फिर आपको अगला प्लान बताते हैं। हमारा अगला प्लान क्या? हमारा अगला प्लान खानपुर डैम का है। आज आपको खानपुर डैम की रश दिखाते हैं, वो भी खासकर ईद में। और यहाँ पर देखें कितना खूबसूरत मंजर है इस मस्जिद का, यहाँ पर जो है छोटा सा लान बना हुआ है दोनों अतराफ में, और यहाँ पर अंदर मस्जिद है। तो जाते हैं, गाड़ी मैंने यहाँ पर पार्क कर दी थी, पार्किंग भी आप देख सकते हैं इनकी काफ़ी बड़ी है, और वहाँ पर व्यू आप चेक करें कितना ही ज़बरदस्त व्यू है। ये आप देख सकते हैं, ये दोनों मोटरसाइकिल रेडी हैं। यहाँ पर फिजान भाई हमाद और मैं, और वहाँ पर वो भाई। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम बैठते हैं जी। आ जाए जी फिजान भाई हमाद। चलो जी, हमाद की और मेरी सही मैचिंग होगी। हाँ ये बिल्कुल फिजान भाई, हाँ ये फिजान भाई ये सही बोल रहे हैं। चलें जी अब इंशाल्लाह आगे जाते हैं और आपको बताते हैं। जो है अपनी ग्लासेस लेने के लिए चला गया मैं और फिजान भाई यहाँ पर, अब जो है चल के जा रहे हैं रोड पर, तब तक हम आद भी आ जाएगा, फिर जो है हम। भाई साहब ये देखें, ये पता नहीं यहाँ पर कौन से पौधे लगे हुए हैं, ये देखें बड़ा ही ज़बरदस्त जो है यहाँ पे इसका व्यू बन रहा है। और मैं और फिजान भाई पहुँचे हैं रोड के ऊपर, हमाद अभी तक नहीं आया, तो हमाद का भी इंतज़ार कर रहे हैं कब हमाद आएगा। तो आप
भूल के जाते हैं यार। हाँ ये बात है, हम आज जो है हर दफा कोई ना कोई चीज भूल रहे, अभी आना भूल है। इन ग्लासेस के लिए गया था और ये आहर पहन के आ गया, तो चले जी फैजान भाई बैठते हैं। ये फैजान भाई बैठ के ये ठीक हो गए यहाँ पूरे आ गए। चले जी बिस्मिल्लाह देख सकते हैं। सकते हैं जी यहाँ पर हम पहुँच गए पुराने खानपुर। ये अमर भाई जा रहे हैं आगे आगे इनका बाइक, यहाँ पर हमारा बाइक, यहाँ पर हम आ रहे हैं। फैजान भाई कपड़े बचा अमर भाई। हाँ यस यस ये काम आपने यस कर दिया, जो आपने ऑडियंस को बता दिया कि हम जो है इकट्ठे जा रहे हैं। यहाँ पर आप व्यू चेक कर सकते हैं, बड़ा ही खूबसूरत व्यू है इस टाइम यहाँ पर, जबरदस्त किस्म का। भाई साहब जहाँ से हम गुजर रहे हैं ये छोटा सा जो है गांव है, ये अभी स्टार्टिंग है समझेंगे। व्यूज हाँ शायद अभी नहीं आई, व्यूज आएंगे आगे। हम आज आपको बुध बताएंगे जो एशिया का लार्जेस्ट स्लीपी बुधा है, हम आज आपको वो बताएंगे। कितना पुराना है यार ये? दरअसल फैजान भाई यहाँ पर मैं एक बार पहले आया था ना, तो वहाँ पर मैंने छोटे छोटे बुध देखे थे, लेकिन ये बोल रहे हैं कि ये कोई नया निकाला है ना, तो हाँ जी बोलते हैं कि खुदाई के दौरान कोई निकला है एशिया का। ये पता है कि सबसे बड़ा जो है वो है बुद्ध है स्लीपिंग बुद्ध, तो अभी देखेंगे वहाँ पर जाएंगे तो फिर। ये अभी नया कोई निकला है? हाँ जी बिल्कुल, ये तो फिर देखने की बिल्कुल जी हमारे लिए सरप्राइज है, और बड़ी बात है एशिया का सबसे बड़ा है। हाँ जी तो ये हम जाएंगे यहाँ पर इंशाल्लाह देखेंगे। भाई साहब वैसे तो आपने जो है काफ़ी व्लॉग्स मेरे देखे होंगे उस तरफ के, हम उस तरफ जाते थे, लेकिन आज हम जाएंगे इस तरफ गंदारा वाली साइड पे। तो आप देख सकते हैं ये रास्ता किस तरह का, बड़ा ही कठिन रास्ता है, मुश्किल रास्ता है। यहाँ पर एक तरफ जो है खाई है हमारी, और दूसरी तरफ ये गाड़ी है, और यहाँ पर रास्ता भी खराब है, कच्चा रास्ता है, और पहाड़ का खूबसूरत मंजर। शुक्र है हम गाड़ी नहीं लाए, नहीं तो हमारा पहले यही प्रोग्राम था कि हम गाड़ी लाए, लेकिन हमने ये अच्छा काम किया है कि बाइक वाला काम किया है। हमारे मामू ने हमें बताया। हाँ बिल्कुल, मेरे मामू ने मुझे बोला है कि अज़ाज़ गाड़ी का काम नहीं करते, गाड़ी के हालात यही होंगे कि जाएंगे रास्ता ब्लॉक होगा, फंस जाएंगे, फिर मतलब कि प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। हम नहीं तो यहाँ पर देखें कितनी लंबी लाइन है, मेरी बातें भी यहाँ तक चल रही हैं और लाइन ख़त्म नहीं हुई अभी तक। और यहाँ पे जो है हमारे भाई जबरदस्त ये काम है जी, बचिए भाई जान। यहाँ से हम जा रहे हैं और देखें यहाँ पर जो है ड्राइवर भी निकल गए हैं रास्ते से, वो आगे कोई ट्राली ने जो है क्रॉसिंग कर दी है। भाई साहब ये आप देखें ट्रैफिक को, हमने देखिए ये रखा है कि यहाँ पर रश काफ़ी है, ट्रैफिक यहाँ पर फंसी हुई है, और जो है हमने पैदल ही चलना शुरू कर दिया है, तो अब हम जाएंगे आगे। यस यस वो चाइनीज़ भाई थे वो बोलते हैं क्या हाल है, ठीक है शुक्र अल्लाह का। तो जा रहे हैं अमर भाई, पता नहीं कहाँ पर पहुँच गए हैं, तो अभी हमें यहाँ पर ज्वाइन किया है अमर भाई ने। अमर भाई अपना व्लॉग बना रहे हैं और यहाँ पर मैं अपना व्लॉग बना रहा हूँ, दोनों व्लॉग को इंशाल्लाह कंबाइन करके लगाएंगे, तो आपको भी जो है काफ़ी मज़ा आएगा व्लॉग देखने का, व्लॉग मतलब आप सही इंजॉय करेंगे। और व्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त व्यू है, ये देखें उस तरफ पहाड़, यहाँ पर डैम, बीच में फिर जो है जजीरा है छोटा सा, और यहाँ पर जी बिल्कुल जी अमर भाई व्लॉग बना रहे हैं ज़बरदस्त जी।
तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं जी, ये बड़ा ही ज़बरदस्त होटल जिसको बोलते हैं जी पठान हाउस के नाम से, जिसको याद किया जाता है। और आगे गंदारा आ गया है, गंदारा का भी आपको व्यू बताएंगे। देख सकते हैं जी ये पठान हाउस आ गया है, ये आप देखें बड़ी ज़बरदस्त, ये आप देखें ये कितना ज़बरदस्त व्यू है यहाँ पर। और वहाँ पर डैम का व्यू आप चेक करें। आगे आ गया जी गंदारा, गंदारा जो है ना ये भी बड़ी ज़बरदस्त जगह है, पैलेस है, मतलब यहाँ पर आप बुकिंग पे रह सकते हैं, कमरे वगैरह हैं। और अमर भाई से पूछते हैं गंदारा के बारे में। जी अमर भाई, ये गंदारा के बारे में कुछ बताइए ना हमारे व्यूअर्स को। रिजॉर्ट भी है जी जी, और साथ में रेस्टोरेंट भी है। ठीक है, रूम्स भी मिलते हैं इधर, रूम भी मिल जाते हैं। ठीक है, और वैसे अगर आए तो लंच डिनर जो भी करना चाहें वो अवेलेबल है। और यहाँ पर इनकी जो है वो मौजूद है जेट स्की वगैरह, कोई बोटिंग जिसने करनी हो वो कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये साथ ही नीचे अभी आगे जाएंगे तो दिखाऊंगा तुम्हें। ठीक है, नीचे ये जेट स्की भी है, बोटिंग है, पैरासेलिंग है। अच्छा, जबरदस्त है, हर एक्टिविटी इधर। अच्छा चलें जी, फिर अब हम आगे जाएंगे और एम भाई से पूछेंगे। देखें ये कितना ज़बरदस्त व्यू है यहाँ पर गंदारा का। अच्छा अमर भाई, आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर एक बड़ा ही मशहूर पॉइंट है मोबाइली, वो कहाँ पर है? मोबाइली ये गंदारा है जी जी, गंदारा का सर रिजॉर्ट, और ये साथ ही ये मोबाइली स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ से मतलब ये गंदारा है, ये सारी मोबाइली की पार्किंग है। ठीक है, और ये सारा जो है ये मोबाइली है। ठीक है, और इसकी एंट्रेंस वो सामने है। अच्छा वहाँ पर, ठीक है, हाँ ठीक है, सारी ऊपर तक वो मोबाइल ऊपर लिखा हुआ है। हाँ हाँ, सारी पार्किंग है मोबाइल की। अच्छा जबरदस्त जी, ये आप देख सकते हैं जी, ये पहुँचे हैं मोबाइल, यहाँ पर जो है अंदर जाएंगे तो मोबाइल का जो है सारा सिस्टम शुरू है। लेकिन हमने मोबाइल जाना नहीं है, हम कहाँ पे जा रहे हैं? बमाला स्तूपा, हाँ, जहाँ पर बुद्ध भी होते हैं, मतलब एशिया का जो है लार्जेस्ट स्लीपिंग बुद्धा, वहाँ पर जो है इनको मिला था खुदाई के दौरान, तो आज हम वो जो है देखेंगे। भाई साहब यहाँ पर हमने देख लिए जी ग्रंडे, ग्रंडे जो है ये आपको बताते हैं, ये बड़ा ही ख़तरनाक इसका पौधा होता है, और ये ब्लैक ब्लैक होते हैं, ये देखें ये लगा हुआ है, ये मैंने तोड़ लिया है, ये देखें ये इस तरह के होते हैं। लेकिन इसका मसला ये होता है, इसके सारे कांटे बहुत होते हैं और ये बीच में छुपा हुआ होता है। और ये देखें यहाँ पर ये लगे हुए हैं और रेड होता है, ज़बरदस्त है, टूरिस्ट टाइप का इसका जायका होता है, खट्टा खट्टा होता है लेकिन बड़ा ही ज़बरदस्त होता है। ये आप देखें यहाँ पर ये सारा लगा हुआ है ये, लेकिन अभी कोई कच्चा है और कोई पक्का हुआ है। और अमर भाई वो देखें वहाँ पर तोड़ रहे हैं, ज़बरदस्त जी अमर भाई ज़बरदस्त। देखना जी ध्यान से आना, आ जाओ पकड़ूँ, ओ ये देखें, ये यहाँ से थोड़ा सामने लेते हैं अमर भाई से, ये देखें इस तरह के होते हैं ये। अमूमन आपको खानपुर की इसी रोड पे मिलेंगे इस रास्ते में, और हम इसको खा रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका जायका है। और यहाँ पर खूबसूरत व्यू डैम का, देखें जहाँ तक नज़र जाती है डैम ही डैम है। भाई साहब हम जा रहे हैं, उस वक्त का पैदल चल रहे हैं, ओ ये आ गए शेख साहब, वेलकम वेलकम, बैठें जी हमें बैठाओ यार, हम थक गए हैं, ये देखें, ओ नाइस भाई साहब, ये आप जजीरा चेक करें, ये जजीरा चेक करें, कितना ज़बरदस्त जजीरा है यहाँ पर खानपुर का यार, ज़बरदस्त। फैज़ान भाई नीचे व्यू आप चेक करें, देखें जजीरा यार क्या ज़बरदस्त व्यू है यहाँ पर, ये देखें मज़ा आ गया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो बच्चे ना भी रहे अंदर, चलें हम बैठते हैं जी अपने अपने बाइक्स पर, और ये मैं बैठ गया यार, मार आप लोगों ने तो हमें सिखा ही दिया यार, रश इतनी थी तो यार, क्या कर रहे हैं हट दे मार रहे फुरने दी, पर मजाक कश्मीर से एंड हो गया ही मेरा, मैं तो बेहद है, मैं थोड़ा सा ओए ओए ऐसे ही रशियन के फंसे रहे हैं, वो कार तो मन लगता है गाड़ी तो तले लगनी है सीस ना, कड़े कोई जिन गाड़ी मोटर दे
वो अमर भाई भी जो है व्लॉग शूट कर रहे हैं, आप उसका व्लॉग बताएंगे इसी वीडियो में। और यहाँ पर हम भी जा रहे हैं, शुक्र है ये माधव हैं और हमारी जो है जान में सांप पड़ गए। ये देखें आप, व्यू चेक करें मेरे राइट साइड पे, ये देखें माशाल्लाह भाई साहब एक बार ये देखें। हाँ यहाँ पर आप देखें व्यू कितना ज़बरदस्त है यार। भाई साहब ये आप जगह चेक करें, ये जमीन की यहाँ पर मुख्तलिफ साइड पे ये पड़ी हुई है दरारें। ज़ूम हो सकता है तो? जी जी मैं अपने नाज़रीन को ये ज़ूम करके बताता हूँ। ये देखें भाई साहब, आप चेक करें कितना जबरदस्त व्यू है यहाँ पर। इस साइड पे आप देखें कि मैंने ज़ूम किया है और व्यू आप चेक करें इतना ज़बरदस्त। और जो दरारें यहाँ पर पड़ी हुई हैं उन्होंने माहौल को और भी चमकाया हुआ है। ये देखें आप, अभी काफी पानी जो है ना कम हो गया है। हाँ जी बिल्कुल, उधर तक जी जी नहीं तो वहाँ पर आगे तक जाता है। ये कोई निशानियाँ है ना, पानी खत्म हुआ है और वहाँ पर दरारें पड़ी हुई है। सर्दियों में जो है यहाँ पर चश्मा आएगा, ये देखिए जी यहाँ पर चश्मा एक आएगा, माल ने बोले देखते हैं। पीने वाले किस साइड पे है? अच्छा पीछे रह गया यार, बताते पहले मैं जरा शॉर्ट कर लेता, चले आपको आगे व्यू बताते हैं। और भी भाई साहब ये आप व्यू चेक करें कितना ज़बरदस्त व्यू है यहाँ पर। हम अपनी मंजिल के पास पहुँच गए हैं। बिल्कुल जी, ये जो आपको सामने शटर नज़र आ रहा है ना, वो सामने चुके टाइप वो है जी बमाला स्तूपा। अंदर जाएंगे और फिर आपको जो है बताएंगे। हाँ ये वही याद ये भाई साहब, ये वही जगह है, ये देखें यहाँ पर। जी जी मोटरसाइकिल जाते हैं फिजान भाई। हाँ जी बिल्कुल, हम यहाँ पर पहुँचे हैं जी, आप देख सकते हैं आसार कदीमा है। और अब हम ऊपर जाते हैं यहाँ पर, देखते हैं कि क्या माहौल है। तो व्यूवर्स ये था मेरा आज का एक व्लॉग। अब अगले व्लॉग में आपने देखना है कि आसार कदीमा किस तरह का है। ये एशिया का जो है सबसे बड़ा जो है तो यहाँ पर वो स्लीपिंग बुद्धा भी है, लेकिन अब ये आपको व्लॉग मिलेगा जी इंशाल्लाह दो दिन बाद। ये जब तक व्लॉग अपलोड होगा तो वो एडिटिंग हो जाएगी और इसलिए यहाँ पर मैं अपने इस व्लॉग एंड करता हूँ। अगले व्लॉग में आपको